सबसे पहले आप सभी का दर्पण लाइव टीवी समाचार में स्वागत है। मैं हाजिर हूं ताजा तरीन खबरों के साथ आपके बीच। आइए रुख करते हैं आज की आम खबरों की तरफ। आज की सबसे बड़ी खबर, पति ने अपने पत्नी व दो मासूम बच्ची को जिंदा जलाया। आप खबरें विस्तार से। बिहार के कटिहार जिले से एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आ रही है। रामपुर प्रखंड के रोशना ओपी क्षेत्र के लाभा गांव में एक सन की पति ने अपनी पत्नी और दो मासूम बच्ची को जिंदा जलाकर मार डाला। पदाधिकारी इसकी सूचना मिलते ही अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर उन तीनों शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल भेज दिया गया। निर्दय पति को पुलिस ने तत्काल उसे हिरासत में ले लिया है। जानकारी के अनुसार प्राणपुर प्रखंड के उत्तरी लालगंज पंचायत के वार्ड संख्या 7 लाभा गांव में गुरुवार की सुबह मोहम्मद ताहिर 35 वर्ष ने अपने घर की दूसरी मंजिल पर बने किचन में पत्नी हिना खातून 30 वर्ष, बड़ी बेटी आयत खातून 6 वर्ष और छोटी बेटी सानिया खातून 4 वर्ष के शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दिया। तड़प कर मौत हो गई। इस मामले को लेकर एसडीपीओ अमरकांत झा ने बताया कि पारिवारिक विवाद को लेकर मोहम्मद तारिक के ऊपर न्यायालय में केस चल रहा है। इसी मामले में आरोपी मोहम्मद ताहिर और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया गया।